बांट दिया है दर्शकों को दो अलग ग्रुप्स में। क्यों बढ़ाना होगा क्रिश 4 की टीम को VFX का यूज और क्या क्या देखने को मिलेगा आपको आपकी फिल्म क्रिश 4 में, जानना है इन सभी सवालों का जवाब तो वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त अनविदा पाठक, स्वागत करती हूं आपका बॉलीवुड स्टूडियोज की फिल्मी दुनिया में, जहां आपको मिलेंगी सभी मसालेदार गॉसिप्स और लेटेस्ट अपडेट्स। तो आइए जानते हैं क्या है आज के पिचारे में। दोस्तों आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म्स क्रिश 4 की। कोई मिल गया से शुरू हुआ इस फ्रेंचाइजी का सफर हर पार्ट के साथ एक नई और लंबी ऊंची उड़ान भरता है, तो क्या इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस फिल्म ने यानी कि क्रिश 4 ने दर्शकों को अभी से दो पार्ट्स में बांट दिया है, जहां एक हिस्सा बेताब है इस फिल्म को देखने के लिए और अभी से अपनी क्रेजी फैन थ्योरीज बनाने लगा है, तो वहीं से एक हिस्सा ऐसा भी है जो मानता है कि सीक्वल पर सीक्वल बनाना जबरदस्ती हो सकती है। अब नया बचा ही क्या है फिल्म में दिखाने के लिए। तो मेरे दोस्त दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि जो इस फिल्म के डाई हार्ड फैंस हैं उनके दलील पेश करी है कि अभी भी इस फिल्म में बहुत कुछ दिखाया जा सकता है, जैसे कि नसीरुद्दीन शाह और विवेक ओबेरॉय दोनों टाइम ट्रेवल करके पास्ट से इस टाइम में आ जाए, और हो सकता है कि कोई नया हीरो भी, नया विलेन भी, या फिर और भी सुपर हीरोज इस क्रिश के सामने खड़े हो जाए आके, या हो सकता है क्रिश को नए प्लैनेट पे जाना पड़े। दोस्तों फैंटेसी की दुनिया बहुत ही बड़ी और मजेदार है, लेकिन इस टीम कैसे इसका यूज करती है ये देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही क्रिश जो है वो इंडिया की पहली सुपर हीरो फिल्म मानी जाती है, इस वजह से इसके कंधों पर उम्मीदों का बोझ और भी बढ़ जाता है। जब आज के टाइम में बाहुबली, KGF, रैम्बो और राधे श्याम जैसी फिल्में कर रही हैं VFX का गजब का यूज, तो ऐसे में दर्शकों हमारी क्रिश 4 की टीम को भी कमर कसनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे फिल्मों में कॉम्पिटिशन भी बढ़ता जा रहा है। तो दर्शकों को विजुअल सेटिस्फेक्शन देने की रेस में कौन सी फिल्म जीत जाएगी बाजी और सबका दिल भी, तो ये देखना वाकई मजेदार होने वाला है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में नई खबरों के साथ। इसके साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आप क्रिश 4 की कहानी से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और आप हमारे वीडियोस देखते रहिए रोज ताकि मिलती रहे आपको बॉलीवुड की डोज। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, आपसे मैं अनविता लेती हूँ विदा।